मेरा नाम है खिजर। सो गाइस, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे उसका टाइटल हैं, मैं बताता हूँ आज। आज टाइटल मैं ओके बताता हूँ। आज जो हम है ना आसाम के अमेजिंग फैक्ट पर बात करेंगे, और 10 वाह अमेजिंग फैक्ट होंगे, और वाह, वो कौन कौन से होंगे वो हमें इस वीडियो में देखने मतलब को आज का मिलेगा। जो वीडियो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है यस, गाइस। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला। हमने यस पहले भी रिएक्ट किया था, उसमें कुछ चंद चीजें बताई गई थी, बट यस, ये वाला डिफरेंट होगा। लेकिन आपने हमें करना है सपोर्ट यार, आपकी सपोर्ट ही यस नहीं मिल रही हमें कुछ यस, प्लीज वीडियोस में। काइंडली सपोर्ट करो हमारे चैनल यस, को, और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, करो, शेयर शेयर करो, करो, कमेंट कमेंट करो, करो। और इस वीडियो के जो बीच में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी उसके बारे में आप लोगों ने हमें क्लियर करना है यस कमेंट सेक्शन में, जरूर, ठीक है ना। तो अब हम टाइम नहीं जाया करते, जल्दी से इसको देखना स्टार्ट करते हैं। ओके। ओके, जब भी हम सुबह चाय की चुस्की लेते हैं, असम का नाम जुबां पर आ ही जाता है, और आए भी क्यों ना, वैसे पूरे यार इंडिया भारत वालों में को लाता 60% होगा चाय क्योंकि पत्ती का पाकिस्तान में निर्यात तो नहीं असम आती, से ही लेकिन किया जाता पाकिस्तान है। में चाय लेकिन मशहूर आज हम असम है। के बारे में 10 ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो शायद ही आपको पता हो। वेलकम है आपका हमारे इस YouTube चैनल रिमाइंड पर। वेलकम। फैक्ट नंबर 1, भारत का पहला तेल भंडार। ये बात बहुत भारत कम में लोगों को है तेल पता होगी भंडार, कि भारत का पहला तेल भंडार डिग असम बोई। राज्य के डिगबोई में स्थित है। ओके, 19वीं ये शताब्दी के कब की अंत बात में है? यहाँ कच्चे तेल की खोज करी गई थी, और साल 1866 में पहला तेल का कुआं खोदा गया वाओ। था। दोस्तों, पहली रिफाइनरी भी इसी जगह साल 1901 में शुरू अच्छा, करी मुझे गई तो अभी तक थी। ये भी फैक्ट नहीं पता नंबर था कि टू, है भी तेल पक्षियों की भंडार। आत्महत्या। दुनिया भर के पक्षियों के सामूहिक आत्महत्या करने वाली जगह भी यही है। असम राज्य के जातिंगा नामक जगह को जातिंगा, एक रहस्यमय जगह के तौर पर जाना जाता है। यहाँ हर साल सैकड़ों पक्षी तेज रफ्तार से आते ओ हैं, यार और पेड़ों और इमारतों से टकराकर खुद की जान ऐसा ले लेते क्यों हुआ हैं। यार, ये गुत्थी आज तक वैज्ञानिक भी ये अभी तक सुलझा नहीं किसी को नहीं सके पता, ये कि आखिर रहस्य है। पक्षी ऐसा क्यों करते हैं। फैक्ट नंबर 3, दो देशों के साथ सीमा साझा। दोस्तों, असम दो अलग अलग देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता ओके, है, जिनका नाम है बांग्लादेश और भूटान। ओ लेटेस्ट फिर तो ये अपडेट के काफी एक मुताबिक इम्पोर्टेंट असम सिटी राज्य का होगा लिया बांग्लादेश के करिए साथ इतना। 267.5 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, और भूटान के साथ 265.8 काफी यार, किलोमीटर मतलब का कि फिर बॉर्डर। तो फैक्ट नंबर मतलब फोर, सरहदें लंबा। शराब इस राज्य का मुख्य पेय पदार्थ है। ओहो, जी हाँ शराब, दोस्तों, बिल्कुल सही शराब सुना आपने। असम में शराब पीना आम बात है। यार, असम हाँ राज्य के ये लोग मतलब कि शराब को कैसे? अलग अलग विधि से तैयार करते हैं। यहाँ कई प्रकार की शराब मिलती ओके, हैं, और ये इन दूध पर वाली कोई शराब बैन भी मिलती नहीं है? लगा। इतना ही नहीं, इन्होंने असम के भी तो लोग नहीं अपने घरों में पी ही शराब बनाते हैं यार, और उसका सेवन ये करते कह रहे हैं कि हैं। अपने फैक्ट घरों में नंबर शराब 5, बनाते हैं और खुद ही पीते गुवाहाटी भी असम हैं। की वाह, अनऑफिशियल राजधानी है। ये दोस्तों, बात अब थोड़ी ये सी वैसे बात अजीब तो हम थी। सभी जानते हैं कि असम राज्य की आधिकारिक राजधानी दिसपुर है। दिसपुर, हालांकि असम का हाई कोर्ट, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, आईआईटी, डीजीपी हेडक्वार्टर और सारे महत्वपूर्ण दफ्तर गुवाहाटी में गुवाहाटी स्थित पे हमने हैं। रिएक्ट किया हुआ। गुवाहाटी यस, असम की बहुत बड़ा गैर सिटी। आधिकारिक राजधानी के रूप में काम करता है। फैक्ट नंबर 6, असम शुरुआत में भारत का हिस्सा नहीं था। ओके, 1824 में असम पर पहले एंग्लो बर्मी युद्ध के बाद ब्रिटिश सेना का कब्जा हो गया था, और 24 फरवरी 1826 को बर्मा द्वारा 1826 की यंडाबू संधि के तहत इसे ब्रिटेन को सौंप दिया ओ गया, और फिर इसे भारतीय राज्यों में शामिल किया गया ओके, ये था। असम के बारे में सबसे वैसे ना रोचक एक बात अच्छी यह है कि इन्फॉर्मेशन है। असम राज्य का नाम असम कैसे पड़ा, इसका कारण और पक्का सबूत आज तक किसी को नहीं ओके, पता। हो फैक्ट गया। नंबर 7, असम में 6 से 12 साल तक के उम्र के बच्चों को माध्यमिक स्तर तक शिक्षा देना वाह, अनिवार्य है, और यह बिल्कुल क्या मुफ्त बात है है। यार, योरहाट 12 साल और तक के डिब्रूगढ़ बच्चे में को मतलब कि फ्री विश्वविद्यालय एजुकेशन। भी हैं। वाह, राज्य में 80 से भी ज्यादा केंद्रों से लोक कल्याण की विभिन्न योजनाओं का संचालन यहाँ बेहतरीन तरीके से किया जा रहा ओके, है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब ब्रह्मपुत्र नदी असम से होकर गुजरती है तो उसकी चौड़ाई लगभग 10 किलोमीटर बढ़ जाती है। फैक्ट नंबर 9, असम अपने चाय के बागानों के लिए बहुत फेमस है, पर क्या आपको पता है कि असम का सिल्क पूरी दुनिया में मशहूर वाओ, है। सिल्क की जानकारी रखने हम वाले जानते इसी हैं से एग्री कि होते हैं असम क्योंकि के जो लोहन वहां के बसौल, ड्रेस हमने देखी गोल्डन है ना सिल्क मुगा, वाले, हैरी यस सिल्क काफी के ज्यादा दीवाने खूबसूरत पूरी होते दुनिया हैं। में हैं। भारत के बाहर असम राज्य को चाय के बदले इसके रेशम और सिल्क के लिए जाना जाता है। ओके, फैक्ट नंबर 10, असम का काजीरंगा नेशनल पार्क काजीरंगा, और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज वाह साइट्स में यार, स्थान दिया है।
यही नहीं दोस्तों, एशिया में विलुप्त हुई जानवरों और पक्षियों की प्रजातियां असम राज्य में आज भी देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा असम राज्य को एक सिंह के गेंडे के लिए विश्व भर में पहचान मिली हुई है। इस राज्य को लैंड ऑफ फेस्टिवल का नाम भी दिया जाता है क्योंकि यहाँ ढेरों त्योहार मनाए जाते हैं, पर दो त्योहार का असम के लोगों को इंतजार रहता है, पहला बिहू और दूसरा बिशू। बिहू फेस्टिवल असम राज्य का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है जो साल में दो से तीन बार मनाया जाता है, एक बार न्यू ईयर के मौके पर, दूसरी बार फसल उगाई पर और तीसरी बार फसल कटाई पर। तो दोस्तों, अगर आपको असम का हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक देकर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओके गाइस, देखने के लिए थैंक्स। तो ये थे अमेजिंग 10 अमेजिंग फैक्ट्स, और ये बहुत ज्यादा अमेजिंग थे यार। इसमें मतलब कि मुझे जो नई चीजें बातें पता चली, वो एक वो के एक तो सबसे जो है ना जो पूरी दुनिया, एक तो तेल जो भारत में, मुझे तो पहले पता भी नहीं था कि भारत में मतलब के भंडार निकाला गया था, और वो भी असम से, असम जैसे स्टेट से। और बकाया ये कि वन जो एक सिंह वाला गैंडा होता है, वो हमने बहुत सारी मतलब के वीडियोस में वॉच किया, बट हमें ये नहीं पता था कि वो सिर्फ असम में ही होता है और काफी आजाद परिंदे वगैरह इनके पास। ये था कि असम जो था ना वो इंडिया का स्टेट नहीं था पहले, है ना, इसी वजह से ये डिफरेंट है थोड़ा सा इंडिया से। तो यार गाइस, अमेजिंग, काफी अमेजिंग फैक्ट बताए थे, और सबसे बड़ी बात यार आप लोगों ने ये भी कमेंट सेक्शन में बताया, क्या वाकई मतलब कि असम के लोगों में नॉर्मली शराब पीते हैं यार? यस, और परिंदों वाली बात काफी इंटरेस्टिंग है यार, वो भी काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा। तो बहुत ज्यादा मजा है इस वीडियो को वॉच करके, आई होप सो कि आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। चैनल को रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, वीडियो के बारे में फीडबैक लाजमी बताओ। तो हम अगेन आएंगे नेक्स्ट न्यू वीडियो।